नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये पार्ट 7 है। इसके अंदर हम 1857 का विद्रोह, भारत में यूरोपियों का आगमन और आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्व और भारतीय संस्कृति एवं कला। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी और 10+2 CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपको इससे पहले के भाग देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अट्ठारह सौ सत्तावन का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था? ये था कमल और रोटी। इस विद्रोह को करने की रणनीति किसने बनाई थी? ये राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने लंदन में तैयार की थी। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों ये थे पामिस्टन। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग। इस विद्रोह के समय भारत का शासक कौन था? ये था बहादुर शाह जफर। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश आर्मी का चीफ कौन था? ये था जियोर्गी एनिसन। इस विद्रोह के शुरू होने पर ब्रिटिश आर्मी के तत्काल प्रभाव में चीफ कौन था? ये था दोस्तों कॉलिन कम्फेल। फिर आता है LER RIGI ने इस विद्रोह को क्या कहा? इन्होंने कहा यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध है। और TR HOMES ने इस विद्रोह को क्या कहा? इन्होंने बोला यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। फिर आता है ब्रिटेन के राजनीतिक बेंजामिन डिसरेली ने इस विद्रोह को क्या कहा? इन्होंने बोला यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है। इसके बाद जेम्स क्वाटर्म और टेलर ने इस विद्रोह को क्या कहा? इन्होंने कहा यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। ठीक है दोस्तों, इस विद्रोह पर कुछ प्रमुख किताबें भी लिखी गई है, इन्हें भी देख ले। 1857 ये किताब का नाम है। ये लिखी थी SN SEN ने और भारत सरकार के कहने पर लिखी गई थी। फिर दूसरी बुक आती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर ने लिखी। फिर आती है द सेपोई मल्टीनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये RC मजूमदार ने लिखी थी। फिर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है तो ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? 1806 में वेलोरगढ़ तमिलनाडु में, चर्बी लगी पगड़ी सरदारों द्वारा न पहनने के कारण। ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्रोह के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी जिनका काल था कार्यकाल 1848 से 1856, इसने 1848 में महाराजा दिलीप सिंह पर आक्रमण किया और पंजाब को ब्रिटिश में मिला लिया और दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया। और इसने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को उसी के द्वारा दिलवा दिया। फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो कब्जे किए गए उन्हें देखते हैं, सतारा, संबलपुर, जेतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। अवध दोस्तों बरेली, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद, ये सभी अवध में है। और करौली, इन पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा किया गया था। और ये एक नोट है, 1856 में अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, और इसकी 365 पत्नियाँ थीं जिनमें से मुख्य थी बेगम हजरत महल। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है सामाजिक कारण क्या थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी एक बिल भारत में लेकर आया था जिसमें विधवा पुनर्विवाह विधेयक था। इस बिल का स्वागत केवल दो लोगों ने किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने और DK कुर्वे ने। यह बिल किसके समय में भारत आया? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत आया था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर तीसरा पॉइंट आता है धर्म के कारण विद्रोह। 1813 में ईसाई धर्म परिवर्तन, 12 मई 1857 को नीति बनाई गई विद्रोह शुरू करने की। पहले अंग्रेज़ों के पास ब्राउन बेस बंदूक थी,
बंदूक का नाम भी ध्यान रखना है, ब्राउन बेस। लेकिन बाद में यह जनवरी 1857 में इनफील्ड राइफल लेकर आए, ठीक है। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल में लगे गाय के चर्बी के कारतूस खोलने से मना कर दिया, जिसके कारण विद्रोह बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया। मंगल पांडे ने अपने ही लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। 99 सिपाही 24 अप्रैल 1857 को उसी राइफल को चलाने से मना करने लगे, जिसके कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। 10 मई 1857 को ये जो 99 सिपाही थे इन्हें छुड़ा लिया गया और यहीं से विद्रोह शुरू हो गया मेरठ में। इसी समय मेरठ के जो हेड थे वो थे कदम सिंह, जो इस विद्रोह में शामिल हो गए। 11 मई 1857 को यह सभी लाल किला दिल्ली पहुँचे, वहाँ इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना हेड बना लिया। इसके बाद 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। इसे दो अंग्रेज़ों लेफ्टिनेंट निकोलस और लेफ्टिनेंट हुडसन द्वारा हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। फिर आगे आ जाता है विद्रोह किसने और कहां से शुरू किया। ये एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ किसने किया और विद्रोह कंट्रोल कौन कर रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। मेरठ से कदम सिंह ने, यहाँ जो कंट्रोलर था वो था कॉलिन कंपबेल। फिर दिल्ली, दिल्ली बहादुर शाह जफर ने, यहाँ का लेफ्टिनेंट निकोलस एंड हुडसन था। फिर कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया, यहाँ भी कॉलिन कंपबेल था। और फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, यहाँ भी कॉलिन कंपबेल था। फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, यहाँ का जो विद्रोह कंट्रोलर था वो था कैप्टन हुरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, यहाँ था कैप्टन नेल। आगे देखते हैं, गोरखपुर से गजोदर सिंह, यहाँ था कॉलिन कंपबेल। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला ने, यहाँ का जो कंट्रोलर था वो था जनरल रिनोल्ड। फिर बरेली से खान बहादुर ने, यहाँ का था कैप्टन विंसेंट अय्यर। फिर मथुरा से देवी सिंह ने, यहाँ भी कंपबेल था। फिर आपका आ गया आता है भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली यानी कि पुर्तगाल से आया वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से, और इसके जहाज़ का जो नाम था वो था साओ गैब्रिल, जिसके द्वारा यह कालीकट केरल आया, और उसका केरल के रूलर जमेरीन ने इसका स्वागत किया, ठीक है। और कुछ समय के बाद वास्को डी गामा भारत में काली मिर्च लेकर वापस चला गया। वहाँ इसने यह जो काली मिर्च भारत से खरीदी 60 गुना मुनाफे में बेच दी। फिर यह 1502 में वास्को डी गामा फिर वापस आया भारत में। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वह कोचीन में लगाई। 1505 में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यह भारत आया। इसने अरबों के सभी बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया और इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। 1509 में पुर्तगालियों का अगला गवर्नर बनकर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 में अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। इसके बाद पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क को ही माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। फिर 1529 में पुर्तगालियों का अगला गवर्नर आया, जिसका नाम था नोनो दा चुन्हा। इसने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा आ गई। 1556 में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में आलू तंबाकू जहाज निर्माण ये पुर्तगाली ही लेकर आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1572 में गुजरात अभियान के दौरान पुर्तगाली सबसे पहले अकबर से मिले। फिर ये एक नोट है, पुर्तगाली भारत में कब तक रहे, ये गोवा दमनद्वीप में 1961 तक रहे, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है डच, यह नीदरलैंड और हॉलैंड के लोग होते हैं, ठीक है। 1596 में
कॉर्नेलियस हाउटमैन भारत आया। 1602 में डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। 1605 में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगा दी गई। इन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए डच ने, और जिन्हें पैगोडा सिक्के कहा गया। इन्होंने सूती वस्त्र उद्योग, नील उद्योग की शुरुआत की, ये भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखने हैं। और 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया और इनके सभी व्यापारों पर कब्जा कर लिया। फिर आते हैं अंग्रेज। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल भारत में आया। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया और सूरत में पहली फैक्ट्री लगा दी। 1613 में अंग्रेज़ों की जो दूसरी फैक्ट्री लगी वो मुसलीपट्टनम में लगी। फिर 1615 में सर थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं हॉकिंस और थॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो ध्यान रखना है जहांगीर के दरबार में ये आए थे। 1661 में प्रिंस चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन बर्गेंजा से विवाह किया और इसे दहेज में मुंबई प्राप्त हुई। इसके बाद 1668 में प्रिंस चार्ल्स ने बम्बई को ईस्ट कंपनी को दे दिया, यानी कि जो इसे दहेज में बम्बई मिली थी इसने प्रिंस ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया या बेच दिया। 1717 में अंग्रेज़ों को मुगल बादशाह फरूक्सियर से स्वर्णिम फरमान प्राप्त हुआ। फिर आते हैं आपके डैन, ये डेनमार्क से आए थे। 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1620 में इन्होंने अपना पहला कारखाना वैकोवार केरल में खोला। 1676 में सोरामपुर बंगाल में दूसरा कारखाना खोला गया। ये लोग केवल चीन के साथ व्यापार करते थे, ये भी ध्यान रखना है। और 1845 में इन्होंने अपना सारा व्यापार अंग्रेज़ों को बेच दिया और वापस लौट गए। आगे आते हैं आपके फ्रांसीसी, ये फ्रांस से आए थे। ये सबसे अंत में भारत आए, ने भी देख लेते हैं। 1664 में फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुईस 14। इसका मंत्री था कोलवर्ट। यह मंत्री भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी बना। इन्होंने 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की भारत में। 1668 में फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत गुजरात में खोली। फिर 1669 में मुसलीपट्टनम तमिलनाडु में दो कारखाने खोले गए। 1669 में ही फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर बना। फिर 1672 में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया और उसे पुद्दुचेरी गांव प्राप्त हुआ, और इसी पुद्दुचेरी में फोर्ट लुई ने किला बनवाया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आगे आप क्या आ जाते हैं भारत के महान व्यक्तित्व, तो इसमें पहले नंबर पर है स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनके जो गुरु थे वे थे रामकृष्ण परमहंस। इनकी एक संस्था भी थी रामकृष्ण मिशन। किताब है इनकी धर्मताव, धर्म रहस्य या नारी रहस्य। इनका जो भाषण था 1843 शिकागो में हुआ और 1845 में न्यूयॉर्क में। इनकी मृत्यु 1902 में वेलोडमड तमिलनाडु में हो गई। फिर आगे आते हैं आपके राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1772 कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु थे जेरमी बैथम। इनकी संस्था थी दो, ब्रह्म समाज और आत्मीज समाज। कार्य इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और स्त्री शिक्षा। इनका एक अखबार भी था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और इन्होंने किताब भी लिखी जो थी वेदांत सूत्र तुहफत उल मुवाहिद्दीन, जो कि फारसी में थी, और इन्हें उपाधि दी गई राजा की जो कि अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर आता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम था मूलशंकर। जन्म 1824 सौराष्ट्र गुजरात में। गुरु थे इनके स्वामी विरजानंद, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। इनकी संस्था थी आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और डीएवी कॉलेज। इन्होंने एक नारा भी दिया था जिसका
नाम था वेदों की ओर लोटो। इनकी मृत्यु 1893 में हो गई थी। फिर आपके आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 1866 में हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और इनके गुरु थे महादेव रनाडे। इनकी संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, और दूसरी थी रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ये भी ध्यान रखना है। इनका एक अखबार था जिसका नाम था नेशन। मृत्यु हुई थी इनकी 1915 में। फिर आप क्या जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 कोलकाता में हुआ था। आगे देखते हैं। इनकी संस्था थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी, और दूसरी थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इनका नारा था एकला चला रे। इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है जनगण मन, जो 52 सेकंड का है, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में, या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी इसी स्वागत में इन्होंने ये राष्ट्रगान लिखा था। नोबेल पुरस्कार विजेता भी है 1913 में, साहित्य प्रथम भारतीय विजेता, यानी कि नोबेल पुरस्कार इन्हें साहित्य में मिला, ये ध्यान रखना है। इनकी किताब है गीतांजलि, इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और दूसरी है चित्रा, हंगरी स्टोन और कोर डांसर। इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। फिर आप क्या जाते हैं दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 1825 बम्बई में हुआ था। अखबार है इनका वॉइस ऑफ इंडिया। इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 एकता गुजरात में हुआ था। इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही रहे और गृह मंत्री भी रहे। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। प्रधानमंत्रियों का शहर भी बोला जाता है इलाहाबाद को, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने एक नारा दिया आराम हराम है, और दूसरा दिया हु लिव्स इन इंडिया डाइज। इनकी किताबें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछी गई है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ऑल लेटर। इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। आगे देखते हैं, आगे आप क्या जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात। इनकी संस्था है साबरमती आश्रम और हरिजन संघ। इन्होंने एक अखबार भी लिखा यंग इंडिया और इंडिया ओपिनियन। नारा दिया इन्होंने करो या मरो, और एक दिया सत्य हिंद से ही मेरा भगवान है। इनकी किताब है इंडियन होम रूल, माय अर्ली लाइफ, हिंदू स्वर्ग और मेरी आत्मकथा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार पूछी गई है। और दोस्तों ये अध्यक्ष भी रहे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के, और सम्मेलन ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आगे देखते हैं, आगे आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1841 मध्य प्रदेश में हुआ था। अखबार है इनका हुकनायक, जो कि मराठी में है, अनुसूचित जाति फाउंडेशन। किताब है इनकी कोस्ट इन इंडिया और थॉट ऑफ पाकिस्तान। इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। फिर आगे आपका आ जाता है लास्ट पॉइंट, भारतीय संस्कृति एवं कला, जिसमें भारतीय संगीत दो भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तान क्लासिक म्यूजिक और कर्नाटका क्लासिक म्यूजिक। भारतीय संगीत की सबसे पुरानी जो कला है यह है ध्रुपद, घमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, चेती, टप्पा, कजरी, गजल, गीत, भजन और लोकगीत। आगे देखते हैं, आगे आते हैं प्रसिद्ध भारतीय गायन में, यानी कि गाने में पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, उस्ताद राशिद खान और अजय चक्रवर्ती, और सितार में पंडित रविशंकर फेमस है काफ़ी ज़्यादा, उस्ताद विलायत खान और अनुष्का शंकर, रईस खान, सरोद में उस्ताद अमजद अली खान और अली अकबर खान, और संतूर वादन में पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा, वीणा में एस बालाचंद्रन और उसद खान।
सहनाई में उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। और वायलन में एल सुब्रमण्यम और बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी फेमस है। और रोनू मजुमदार। आगे देखते हैं सारंगी में पंडित राम नारायण, सुल्तान खान, और तबला में जाकिर हुसैन और अल्ला रखा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अलीदो चटर्जी। हारमोनियम में महमूद ढोलपुरी। फिर आते हैं भारतीय नृत्य। दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का है, ये भी ध्यान रखना है, बिरजू महाराज। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथकली केरल का, और मणिपुर मणिपुर का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सुधा चंद्रन और गीता चंद्रन भरतनाट्यम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई वीडियो या कोई भी नई जानकारी तुरंत प्राप्त करा सकें। और यदि आपको इससे पहले या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल सेल्फ स्टडी पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।